SBI presents Tokyo Olympic 2020, the banker to every Indian. भारतीय पुरुष हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। 1972 के बाद भारतीय टीम पहली बार ओलंपिक का सेमीफाइनल खेलने जा रही है। भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक में 8 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी है। मनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली टीम ने रविवार को हुए क्वार्टर फाइनल मैच में ब्रिटेन को 3-1 से मात दी है। ये 49 साल बाद है जब पुरुष हॉकी में भारत ने ओलंपिक खेलों के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। इस मुकाबले में भारत के लिए दिलप्रीत सिंह, गुरजंत सिंह और हार्दिक सिंह ने 1-1 गोल किया, जबकि ब्रिटेन की तरफ से वार्ड ने तीसरे क्वार्टर के खत्म होने से कुछ देर पहले पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किया। भारत ने ओलंपिक में आखिरी मेडल 1980 में हुए मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल के रूप में जीता था, लेकिन तब सिर्फ 6 टीमों ने ओलंपिक में शिरकत की थी और राउंड रॉबिन नियम के आधार पर शीर्ष पर रहने वाली 2 टीमों के बीच स्वर्ण पदक का मुकाबला हुआ था। इस तरह भारत 1972 में म्यूनिक ओलंपिक के बाद पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचा है। ओलंपिक में भारत और ब्रिटेन का सामना 9वीं बार हुआ और जिसमें से भारत ने अब तक 5 बार ब्रिटेन को हराया है। क्वार्टर फाइनल मैच में भारतीय टीम ने दमदार प्रदर्शन किया। पहले क्वार्टर में ही दिलप्रीत सिंह के गोल से भारत की टीम ने बढ़त बना ली। इसके बाद दूसरे क्वार्टर में गुरजंत सिंह के गोल ने बढ़त को 2 गुना कर दिया। हाफ टाइम तक स्कोर भारत के पक्ष में 2-0 रहा। तीसरा क्वार्टर खत्म होने से करीब 1 मिनट पहले ब्रिटेन को पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन वो इसे गोल में तब्दील नहीं कर पाया। इस क्वार्टर के खत्म होने से कुछ देर पहले ब्रिटेन को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिस पर उन्हें गोल करने में कामयाबी मिली और स्कोर 1-2 हो गया। चौथे क्वार्टर के खत्म होने से करीब 6 मिनट पहले भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला और कप्तान मनप्रीत सिंह को येलो कार्ड दिखाया गया। इसी बीच मिडफील्डर हार्दिक सिंह ने गजब की तेजी दिखाते हुए शानदार मैदानी गोल दागा और स्कोर 3-1 कर दिया। इसी स्कोर के साथ भारत को जीत मिली। 3 अगस्त को होने वाले सेमीफाइनल मैच में भारत का सामना बेल्जियम से होगा। बेल्जियम ने क्वार्टर फाइनल में स्पेन को 3-1 से हराया है। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी का मुकाबला होगा। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।